हिजबुल्ला के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। इसराइल पर फेज टू अटैक का खतरा क्यों है? ईरान के प्रॉक्सी गुटों के लिए क्या है नेतन्याहू का संदेश? बैटलफील्ड की अहम खबरों का अपडेट वॉरजोन टॉप लाइन में। रॉकेट हमले पर हिजबुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक इसराइल पर हमले का पहला फेज सफल रहा। मिलिट्री साइट्स समेत सभी टारगेट पर विध्वंस देखने को मिला। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर और घातक हमले करने की चेतावनी दी। इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के खुफिया इनपुट ने इसराइल को बचाया और समय रहते IDF ने एक्शन लिया। हिजबुल्ला के हमले को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हिजबुल्ला की इसराइल पर 6000 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान था, लेकिन अमेरिकी इनपुट पर IDF ने स्ट्राइक किया और हिजबुल्ला के सभी रेडी टू अटैक लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम शुरू हो चुका है। अब हिजबुल्ला की इसराइल पर दूसरे फेज के अटैक की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला ने तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले का प्लान बनाया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से कभी अटैक हो सकता है, इसे लेकर तेल अवीव भी अलर्ट पर है। हिजबुल्ला ने इजरायली डिफेंस को चकमा देने का दावा किया है, लेकिन उसके हमले के वक्त इसराइल में आयरन डोम सिस्टम एक्टिव नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट इंटरसेप्ट किए। तामीर इंटरसेप्टर का जवाबी एक्शन भी कैमरे में कैद हुआ। तेल अवीव में गहमागहमी के बीच हिजबुल्ला ने ये वीडियो जारी कर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया। हालांकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रॉकेट तबाह हो गए। हिजबुल्ला ने तेल अवीव में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने की कोशिश की। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद तेल अवीव में PM नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की। IDF हेडक्वार्टर में डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट समेत सेना और मोसाद के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला पर दूसरे चरण की स्ट्राइक और ईरानी पॉक्सी से निपटने की रणनीति बनी। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ अटैक पर इसराइल के PM नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की रक्षा के लिए हम सब कुछ करेंगे, जो भी हम पर चोट करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। इसराइल अपने बचाव में किसी भी हद तक जाएगा। हिजबुल्ला के हमले के बाद तेल अवीव में अलर्ट और दहशत का आलम है। हिजबुल्ला के संभावित हमले को लेकर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान तेल अवीव एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची। शहर छोड़कर जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई।